हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे अपने यूट्यूब चैनल टोटल DIQ में आपका स्वागत है। रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, नोटिस आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रेलवे ALP के रिजल्ट कैंसिल हो सकते हैं और एग्जाम डेट बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के जो 2 नवंबर के रिजल्ट जारी किए गए थे वो कैंसिल हो सकते हैं और फिर से दोबारा रिजल्ट आ सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, 2 नवंबर को रेलवे ने ALP ने रिजल्ट जारी किए थे जिसमें फ्रेंड लगभग 5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। 2 नवंबर को रिजल्ट जारी किए, 5 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। RRB फ्रेंड्स भोपाल और चेन्नई ने ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में क्या है वही हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। आप RRB की वेबसाइट भोपाल और चेन्नई की, भोपाल की विजिट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट ने ये आपत्ति दायर की है कि जो रेलवे ने आंसर की जारी की थी उसमें कुछ क्वेश्चन उनके गलत कर दिए गए हैं और जिस वजह से उनका किसी का 1 मार्क्स से किसी का पॉइंट मार्क्स से 0.2, 0.5 ऐसे कुछ करके मतलब उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट ने आपत्ति जाहिर की है कि रेलवे फिर से आंसर की जारी करे। तो रेलवे ने बोला है हम ऐसा कर सकते हैं, रेलवे फिर से आंसर की जारी कर सकता है, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की फिर से एक लिस्ट जारी कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड उन्होंने बोला और इस प्रोसेस को करने में शायद टाइम हो जाए, तो इसलिए 24 दिसंबर से एग्जाम हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे गुजारिश करते हैं, देखिए ऑफिशियली नोटिस है ये, आप RRB भोपाल की साइट पर भी चेक कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में दूँ, जिससे मैं इसकी लिंक एड्रेस दे दूंगा, जिससे आप यदि गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पे छोड़ देगा ये एड्रेस। तो फ्रेंड फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखें, ये कोई अफवाह नहीं है, ये रेलवे की तरफ से ही नोटिस आया है। आप अपनी तैयारी जारी रखें। फ्रेंड चेन्नई ने ये नोटिस हटा दिया है लेकिन भोपाल की साइट पर ये नोटिस अभी भी अवेलेबल है। तो देखते हैं जो भी फैसला आएगा क्या होता है आगे, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, जो कुछ होगा वो तो होता ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।